क्यों धड़ाधड़ कई एल्बमों के वीडियो शूट कर रहे हैं? क्या उन पर कोई प्रेशर है या फिर इस होड़ में वो सबसे आगे निकलना चाहते हैं? जी हाँ, ऐसे वक्त में जहाँ खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ भाई अपनी शूटिंग तक नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग तक नहीं कर पा रहे हैं, जितने उनके गाने हैं वही रिलीज़ कर रहे हैं, वहीं पर पवन सिंह भाई, पवन सिंह धमाल पे धमाल किए हुए हैं। पवन सिंह वो कर रहे हैं जो भोजपुरी का बाकी कोई स्टार नहीं कर रहा है। इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है तो हम आपको बता देते हैं कि पवन के इस कदम से भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये होने वाला है, जहां लोग ये कह रहे थे कि लॉकडाउन के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, भोजपुरी इंडस्ट्री को भाई कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, ऐसे टाइम में जब भोजपुरिया दर्शक भाई लॉकडाउन का टाइम है, लोग अपने घरों में व्यस्त हैं, तो वहाँ पवन सिंह अपने फैंस के लिए और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक काम कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त सारी इंडस्ट्री जहाँ ठप पड़ी है, वहीं पवन सिंह अपने एल्बमों के वीडियो शूट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने गानों को अपने नए वाले स्टूडियो में ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और तो और पवन सिंह इन सब गानों की शूटिंग बदस्तूर जारी रख रहे हैं, और वो भी अपने नए वाले घर में। जी हाँ, ये घर उनका आरा में है। और आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह को अब 2 पुलिस गार्ड भी मुहैया करवाए गए हैं। वैसे पवन सिंह आरा में है, पहले इस बात की इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को थी, लेकिन धीरे धीरे ही ये बात सभी जगह फैल गई कि पवन सिंह अपने पैतृक गाँव में हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार ने उन्हें 2 सेफ गार्ड दिए हैं। को ये भी बता दें कि पवन सिंह किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को ठप होने देना नहीं चाहते। जहां इस वक्त सारी इंडस्ट्री बंद है, वहां पवन सिंह इस तरह क्यों काम कर रहे हैं? आपको ये बता दें कि पवन सिंह अपने फायदे के लिए नहीं काम कर रहे हैं। जी हाँ, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में इसी तरह उन्होंने काम किया और उनके एल्बमों को रिस्पांस अच्छा मिला, तो इससे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जिनके पास काम बदस्तूर आता रहेगा और जिससे उनके भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। साथ ही साथ इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी पवन सिंह के एल्बमों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को देखने वालों की और जो भी इसे जानते हैं उनकी संख्या में वृद्धि ही होगी। जहां सारे इंडस्ट्री अभी तक काम नहीं शुरू की है, अगर पवन सिंह इस तरह का काम लाते हैं और ये बहुत ही सेफ मोड में रहा तो लोगों को फ़ायदा ही होगा। ऐसे में पवन सिंह के इस काम के लिए पवन सिंह को धन्यवाद देना तो बनता ही है। तो भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं ऐसे ही पवन सिंह का सम्मान नहीं करते, और ऐसे ही पवन सिंह डेडिकेटेड नहीं है अपने काम के लिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।